I'm Dr. Anjali Hura Sangwan, an American board certified obesity, metabolic medicine, and clinical nutrition consultant. सूजन फील होती है, पेट ब्लोटेड फील होता है, कपड़े पूरे नहीं आ रहे, मुंह बड़ा सा हो जाता है, तो वाटर रिटेंशन, हम सब सोचते हैं कि वाटर रिटेंशन है, तो क्या होता है वाटर रिटेंशन, क्यों होता है वाटर रिटेंशन, क्या क्या साइंस है, क्या रीजंस है, ये सारी चीजें भी मैं डिस्कस करूंगी. उसको कैसे ठीक करना है इन अ नॉर्मल वे, लाइक विदाउट टेकिंग मेडिकेशंस आप वाटर रिटेंशन को कैसे ठीक कर सकते हो. सो नाउ रीजंस ऑफ वाटर रिटेंशन, पहले लड़कियों की बात करते हैं. लड़कियों में वाटर रिटेंशन मेनली पीरियड से पहले होता है, और लड़कों में वाटर रिटेंशन ज़्यादा होता है व्हेन दे वर्कआउट टू मच. एंड दोनों में वाटर रिटेंशन बहुत होता है जब वो जंक फूड खाते हैं. तो जंक फूड का मतलब यही है कि स्पेशली चाइनीज खाना, यू ईट बेसिकली जंक फूड, पिज्ज़ा एंड हिडन सॉल्ट एंड शुगर्स, जहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा होगा, सोया सॉस और ये सब चीज़ों के साथ जहाँ भी हिडन स्टफ होगा वहाँ पे वाटर रिटेंशन के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं. तो आप बाहर का खाना जब भी खाओगे वाटर रिटेंशन का चांस ज़्यादा होता है, बिकॉज वो लोग कितना कुछ डालते हैं उस खाने को टेस्टी. वाटर रिटेंशन को बड़ा ज़रूरी है कि आप यू अंडरस्टैंड कि क्यों हो रहा है. और कई बार आप जैसे आपने रात को बाहर खाना खाया, सुबह देखो आपके ड्रिंक्स ना एकदम टाइट हो जाते हैं, और उसका मतलब ये हो रहा है कि आपने ऑफकोर्स कुछ ना कुछ इतना सॉल्टी खाया है कि वो बॉडी में ना ऐसे फील हो रहा है कि वाटर रिटेंशन नहीं है. वाटर रिटेंशन का, हाँ ऐशिला, वाटर रिटेंशन का सबसे बड़ा जो कारण है जो मेरे को जंक फूड है, और ना कम पानी पीने वालों को बड़ा होता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किडनी पेशेंट्स, मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ. जिसको भी वाटर रिटेंशन होता है वो ना कम पानी पी रहे होते हैं. वाटर इटसेल्फ इज अ वाटर इज अ डायरेटिक, सो पीपल हु ड्रिंक लेस वाटर उनके लिए अंदर वाटर रिटेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. जो लोग हाइपोथायरॉयड होंगे, अगर उनका थायरॉयड ट्रीटेड नहीं होगा तो उनके अंदर वाटर रिटेंशन के चांसेस ज़्यादा होता है, और इट कैन बी समटाइम्स टू डेंजरस लेवल्स. सो इफ यू हैव कॉन्स्टेंट वाटर रिटेंशन यू मस्ट सी अ डॉक्टर एंड गेट योरसेल्फ टेस्टेड. व्हाट एल्स कैन बी द रीज़न, मेनली अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, कोई तरह का आपका स्वेटिंग का वो नहीं है, आप सारे दिन यू डोंट स्वेट एट ऑल, वाटर रिटेंशन चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. कोई किडनी डिजीज़ है, या कोई ऐसी कैपिलरी डैमेज है, माइक्रो सर्कुलेशन डैमेज है, तो वाटर रिटेंशन हो जाएगा. वो थोड़ा सा आप आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस नॉन साइंटिफिक टॉक, बट जनरली यू हैव टू नो कि क्यों हो रहा है. और मैंने ये भी देखा है जो लोग टाइट कपड़े पहनते हैं, ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं, गेट मोर ब्लोटिंग, ज़्यादा लंबा ट्रैवल कर रहे हो, पैर लटका के आप बैठे हो बहुत देर तक, तो जो वीनस सर्कुलेशन होता है, जो हमारा जो वीनस सर्कुलेशन है वो नीचे से ऊपर जाता है, तो वो ना वाटर रिटेंशन उसमें मोटे मोटे पैर हो जाते हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे. तो हमेशा पैरों को उठा के बैठो, टाइट जूते मत पहनो, टाइट सॉक्स मत पहनो, साइज देखो. एक किसी ने पूछा जस्ट ड्रिंकिंग वाटर कॉज वाटर ड्रिंकिंग कॉज वाटर आते हैं, हम जैसे अल्कोहल ड्रिंकिंग 100% जो यू आस्क अबाउट अल्कोहल, बट अल्कोहल यस, अल्कोहल कॉजेज वाटर रिटेंशन बिकॉज अल्कोहल डिहाइड्रेट्स यू. Okay, and if you don't drink water with alcohol, it will cause water retention. So alcohol के अगर आप पूछ रहे हैं, आपका question है, तो alcohol के साथ पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है. Most of the people drink, you know, coke के अंदर alcohol या किसी juice के अंदर, तो आपको पानी भी you know साथ में पीना बहुत ज़रूरी है. Just don't think that वो पी के बहुत है. So गेटिंग ऑल दीज कॉजेज, पहले तो आप देख लो कि क्या चल रहा है. आई एम श्योर अगर कोई ठीक से खाना खा रहा है और ठीक से यू नो सॉल्ट एक्सेस नहीं खा रहा. एक्सेस सॉल्ट क्या होता है? एक्सेस सॉल्ट आप मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज सबके घर में खाना बन रहा है. हाउ यू टेल दैट यू नो माई फूड इज एक्सेस सॉल्ट, इट्स जस्ट वेरी डिफिकल्ट. सो आई रिकमेंड यूजिंग लो सोडियम सॉल्ट्स, एंड यू कैन यूज, I don't recommend too much of sendha namak and Himalayan pink salt because iodized hota hai salt. But yeah, you can always think about getting a low sodium salt on board. There are so many. Tata has one and I think the 2-3 companies making low sodium salt. Wo aap khareed sakte ho. Aur agar aapko upar se salt dalne ka man hai, to make sure that use nimbu wagaira. You know, just I don't think that it's important to use too much salt to make it tasty. And salt and sugar are two things which if you lay down in your life,
you know, you can play them down. Your taste buds can truly get used to less of salt and less of sugar. It's a practice. Usually 21 days ka time aapko dena chahiye apne aap ko to for anything you wanna get rid of, you wanna do anything, you wanna let go of anything. 21 days is the time you want to just let go of that habit, and usually 90% of times aapko wo habit nahi rehti hai. अब कैसे हम अच्छा बहुत लोग जो मैदा बहुत खाते हैं, अब जंक फूड वो कह रहे हैं हम तो घर में खा रहे हैं, हम तो जंक फूड खाते नहीं हैं पर हम घर की मट्ठी खा रहे हैं, हम घर के वो खा रहे हैं यू नो स्नैक्स. तो अगर वो मैदा के बने हैं तो मैदा में वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगा, तो मैदा के मत खाइए. आप ट्राई करो कि आप जो घर पर भी आप सामान बना रहे हो आप उसको रिफाइंड फ्लावर में मत बनाओ, उसको एक्सेस सॉल्ट में मत करो. जैसे आपने घर में कोई सब्जी बनाई है, यू नो पीपल मेक छोले एंड ऑल दैट, एंड उसमें एक्सेस सॉल्ट मत डालो. ट्राई टू मेक इट मोर यूज मोर अदर हर्ब्स एंड स्पाइसेस जो इंडिया में होते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग जस्ट सॉल्ट एज द मेन इंग्रेडिएंट. एंड मस्ट रिमेंबर दैट लॉट ऑफ वेजिटेबल्स हैव सॉल्ट इन देमसेल्व्स लाइक स्पिनच और द डार्क ग्रीन वन लीफी वेजिटेबल्स, उनके अंदर अपना सॉल्ट होता है. तो अगर आप ऊपर से सॉल्ट डालोगे तो वो और सॉल्टी फील होगी. एग्जाम्पल करेला है, पालक है, केल है, सरसों का साग है, ये सारे में ऑलरेडी सोडियम हाई होता है तो उसमें आप कम सॉल्ट यूज़ करो. मेथी में काफ़ी सोडियम है तो इफ़ यू वांट टू यूज दैट. एंड देन एक और रीज़न मैंने देखा है जो बॉडी बिल्डर्स में होता है, अंडे बहुत खाते हैं वो लोग और समटाइम्स दे आर डोंट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है. इतने अंडे में सोडियम होता है सो आप कम खाओ अंडे. अगर आपको लग रहा है वाटर रिटेंशन हो रहा है तो अंडे कम कर दो और मेक श्योर यू कैन यूज हाइड्रोलाइज वे और सम अदर वीगन प्रोटीन. प्रोटीन डेफिशिएंसी से वाटर रिटेंशन होता है. प्रोटीन अगर आप कम खा रहे हो, प्रोटीन एक ना प्रोटीन बॉडी में एक ना प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, सो होता है ऑर्गेनिक प्रेशर. तो अगर आप प्रोटीन कम खा रहे हो तो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन को एडिमा भी बोलते हैं. जैसे जैसे आप प्रेस करोगे तो स्किन अंदर रह जाती है तो एडिमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं वाटर रिटेंशन से, प्रोटीन कम होने से. तो आपने देखा होगा बड़े जो मैलनरिश्ड लोग होते हैं या मैलनरिश्ड इतनी बार हम लोग देखते हैं टीवी वगैरह पे, उनको ना ऐसे स्वेलिंग सी होती है पेट पे या यू नो बॉडी में स्वेलिंग होती है, वो यूजुअली लैक ऑफ प्रोटीन से होती है. और कई लोग मैलनरिश्ड होते हैं, वो लोग खाते तो बहुत कुछ हैं पर जंक खा रहे होते हैं ना, वो खाना प्रॉपर नहीं खा रहे होते. प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे तो प्रोटीन नहीं आएगा तो वो हमेशा ऐसे उनको हमेशा एक ना वो रहेगी फीलिंग ऑफ फुलावट रहेगी शरीर में. तो एक there's a level, you know, there's a level to where you have to have a protein per day. वो आप of course अपने किसी specialist से पूछोगे, मैं ऐसे नहीं बता सकती, हर किसी का weight अलग है, हर किसी की body अलग है, but generally 0.8 grams per kilo is what we need per day for everyone. But if your exercises become different, if you are somebody with kidney disease become different, so it vary करता है person to person. सो प्रोटीन डेफिशिएंसी से भी एडिमा हो सकता है. सो आई थिंक अब डिस्कस काफ़ी सारे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जिसमें हार्ट पंप नहीं कर रहा होता पूरा, हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाती है तो भी आपको एडिमा हो सकता है. बट वो बड़ा सीरियस टाइप की चीज़ें हैं, वो ऐसे नहीं है कि ब्लोटिंग एडिमा टाइप, वो थोड़ा सा हाई लेवल काइंड ऑफ एडिमा हम बात कर रहे हैं. और जिनको हार्ट डिजीज़ वगैरह होती है उनको फिर सांस भी फूलता है, सो और भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. पर अगर आप सिर्फ यू आर वेकिंग अप विद अ बिग फेस एंड बिग हैंड्स, सो आई मीन आई टॉक ऑन मोर कॉमन थिंग्स. जिसको हार्ट डिजीज वगैरह आई एम श्योर दे ऑलरेडी हैव डॉक्टर्स एंड दे ऑलरेडी आर टॉकिंग टू समवन अबाउट दिस. सो नाउ व्हाट कैन यू व्हाट आर द थिंग्स यू कैन डू टू मिनिमाइज दिस काइंड ऑफ वाटर रिटेंशन. वन इज वाटर, पानी पियो. पानी इटसेल्फ कैन बी सो गुड. वाटर इज अ गुड गुड वे टू सॉर्ट ऑफ गेट यूज टू टेकिंग ऑन मोर वाटर. समझ आस्किंग अल्कोहल, आई जस्ट सेड अल्कोहल से तो वाटर रिटेंशन पक्का होती है. इज ब्लोटिंग रिटेंशन सेम थिंग. ब्लोटिंग रिटेंशन यू नो पीपल थिंक कि ब्लोटिंग और रिटेंशन सेम टाइप की चीज़ होती है पर ऐसा होता नहीं है. ब्लोटिंग होती है एक तो पेट में फुलावट होने लगती है कोई भी खाना खा के, और
सो ब्लोटिंग को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए वाटर रिटेंशन के साथ. वाटर रिटेंशन जनरली विल बी ऑन द अंडर यू नो वेयर एवर द सॉफ्ट टिश्यूज ज़्यादा होता है, जैसे फेस आइज के अंदर या पैरों में, तो वो वाटर रिटेंशन होती है. ब्लोटिंग इज मोर लाइक इन योर स्टमक एंड योर लाइक अन टाइट हो जाता है पेट, फ्लैक्चुरेंस होता है, गैस बहुत आ रही होती है, तो वो ब्लोटिंग के ज़्यादा साइंस होते हैं. Shouldn't we drink water soon after? Nahi, no, Tanya, Michelle, thank you for asking the great question. खाना खाने के एकदम बाद पानी पीने से आपके स्टमक एसिड डाइल्यूट होते हैं, तो डाइजेशन में फर्क पड़ता है. 10-15 मिनट्स आप वेट करो खाना बिफोर एंड आफ्टर फूड. समझदास की रणदीप भाई को चाइनीज पसंद है. आई डोंट थिंक सो, हमारे घर में कोई चाइनीज ज़्यादा नहीं खाता है. चाइनीज फूड बड़ा, चाइनीज फूड जो चाइना में बनता है, जो चाइनीज फूड इंडिया में बनता है ना, उससे बड़ा फर्क होता है. यू नो यहाँ को जो चाइनीज फूड है उसके अंदर बहुत ज्यादा हिडन सॉल्ट है, बहुत ज्यादा सोया सॉस डलता है. एंड आई मीन डिपेंड ऑन रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट, आई मीन आई शुड जनरलाइज इट एक्चुअली, बट जनरली यू नो आई फील चाइनीज फूड इज वेरी हाई इन सॉल्ट. प्लीज टेल अस अबाउट हेल्दी सैलेड, समर सैलेड, हेल्दी सैलेड. हेल्दी सैलेड मैंने इतनी बड़ी वो करी थी सैलेड के ऊपर. आप सैलेड के ना, आप एक काम करो, गो टू माई फेसबुक पेज एंड गो सी द पार्ट व्हेन आई डिड सैलेड्स. यू कैन डू सो मेनी ग्रीन सैलेड्स एंड एक्चुअली यू नो फॉर समर पीपल हु डोंट वांट टू ईट लीफी सैलेड एंड दे डरते हैं, जस्ट गो ईट ककड़ी एंड खीरा मैम, इट्स द ईजिएस्ट वन. मैम आई डोंट ड्रिंक मिल्क, हाउ कैन आई मेंटेन माई कैल्शियम इन अ वेजिटेरियन? You don't have to drink milk to get calcium, trust me. Milk is not even so high, and the calcium from milk is not even absorbed as much. So, you can eat yogurt, you can eat most vegetables, nuts, and seeds and all that. So, rock salt or sea salt is pretty much the same thing. My height is 5'10", 86. Ideal weight? Dash, I'm not going to calculate all this on here. Ma'am, how to reduce stomach is getting big. आप खा रहे होगे खूब सारे कार्बोहाइड्रेट्स, इसलिए स्टमक बिग हो गया है. मिठाई कम कर दो. माय फ्रेंड सजेस्टेड मी सम पिल्स फॉर वाटर रिटेंशन. या सी देयर आर सम हर्बल सप्लीमेंट्स फॉर वाटर रिटेंशन एंड देयर आर दीस माय फोन बिकम वियर्ड. देयर आर सम हर्बल सप्लीमेंट्स फॉर वाटर रिटेंशन एंड देयर आर दीस एलोपैथिक सप्लीमेंट्स मेडिकेशंस एक्चुअली. सो आई डोंट थिंक यू शुड टेक देम विदाउट आस्किंग अ डॉक्टर. फ्रेंड्स से तो कभी मत. सो डोंट टेक दीज मेडिकेशन विदाउट सुपरविजन. डोंट स्पेशली माई फ्रेंड टेल्स यू बी केयरफुल. वॉट शुड टू डू फॉर वेट गेन? वेट गेन करने के लिए तो आपका फैट एंड एज आई सेड घी और वो खाइए ना, रोटी में घी लगा के. गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर रिड्यूसिंग बेली फैट एग्स, एग एग. इफ यू डोंट ईट एग हैव हाइड्रोवे और चिकन. Ajinomoto not good for health, no way. Ajinomoto is MSG guys, monosodium glutamate. It tends to cause insulin spikes and really is bad for health. May necessarily not cause cancer, but it's quite bad. My feet and hand tend to sweat after black coffee. Oh, okay. So maybe you should not have black coffee because it doesn't suit everyone. Some people are very sensitive to caffeine. So I don't think you should eat too much, drink black coffee. If it's not needed, why would you drink black coffee? Chai piyo na. Hi doctor, does skipping salt from dinner time to time help reduce water retention? You know, a lot of people when they're doing weight loss, they think if we stop salt, we'll lose weight faster. But it's actually only water weight, you know. So if you need salt, you need salt. But if you want to have salt less, if you're having water retention, you can have a salt less diet, like a salt less dinner. But there are ways to reduce it, water retention. I'll just tell you in a minute. Okay, I don't understand what. Okay, so here, ma'am, please send me some stevia brand. Stevia ke naam se hi aata hai stevia. Stevia zero cal hai shayad. So stevia ke naam se hi aata hai. You can have Surbhi Ahuja, advise me something on what, darling? What are you asking? Ask me again. I think we missed your question. So now let me talk about the remedies for reducing the water retention. Okay, so remedies kya hota hai water retention reduce karne ke? Ek sabse aasan tarika hai, pani pi lo. जिसको हाई शुगर है या हाई सॉल्ट होता है,
पानी 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 अच्छे से पियो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किडनी पेशेंट्स ओके. कई किडनी पेशेंट्स एंड हार्ट पेशेंट्स में वाटर का एक सेट वाटर इनटेक दे हैव, उसके बारे में बात नहीं कर रहे. हम बात कर रहे हैं इफ यू वॉन्ट टू हैव if you want to lose water weight, like water retention weight, you just drink lots of water, and trust me, the more you pee, the more you will lose. Beech mein aate hain, I'll take questions. In what way can we have red meat? What way can I have red meat? You can have red meat. You can have roasted meat, keema. Those are the ways. My hair is getting gray, please. Talk about graying hair here. We are not talking about graying hair. So we next time we'll talk about. We actually talked about graying hair, didn't we? We did talk about graying hair. In fact, this. I remember it used to be this for graying hair. Remember? Supposed to do this for graying hair. Anyway, jokes apart. Let's talk about water retention. कम कैसे करना है? चलो. सबसे पहले पानी पियो. कम से कम 2-3 लीटर पानी तो एक एवरेज इंसान को पीना ही चाहिए, क्योंकि समर में हमारा अब जैसे अभी मैं बात करी तो मेरे को आई कैन स्वेट, आई मीन आई कैन फील माई स्वेट. यू आर इन एसी, यू आर गेटिंग डिहाइड्रेटेड. आप एक्सरसाइज करो, डिहाइड्रेशन है, धूप में चलो, डिहाइड्रेशन. तो कम से कम 3 लीटर पानी, या इंक्लूसिव ऑफ नॉन कैलोरिक बेवरेजेस लाइक नॉन कैफिनेटेड एंड नॉन कैलोरिक, मतलब शुगर ना हो जिसमें और जिसमें कैफीन हो, वो बेवरेजेस जो आप हर्बल टीज हैं, डाइल्यूटेड जूसेस, कोकोनट वाटर, यू कैन हैव ऑल दैट, इट काउंट्स ऑफ वाटर. सो वन इज ड्रिंकिंग वाटर, सेकेंड इज हाई पोटेशियम फूड्स. फर्स्ट, पीपल हु हैव हाई पोटेशियम प्रॉब्लम, इट्स नॉट फॉर देम. आई एम टॉकिंग अबाउट रेगुलर पीपल हु आर नॉर्मल, हु आर हेल्दी. हाई पोटेशियम फूड्स में क्या आता है? आलू. potato is there, potato, then all the fruits, most fruits I think are high potassium. So if you're not watching your weight and you just want to get rid of water retention, do a fruit fast, a fruit juice fast, or green juice.